27 रजब को जिब्राइल आए, आसमान सज चुके हैं और हमारी यानी ज़ुबान में या हमारे रवाज में कि या रसूल अल्लाह इस्तकबाल के लिए कतारें लग गई हैं, आप उनको लेकर गए। अल्लाह ने अपने नबी का हाथ पकड़ा और अपनी ज़ात तक पहुंचा दिया। हम अपना हाथ अल्लाह के नबी के हाथ में दे दें तो हम भी अल्लाह की ज़ात तक हमारी भी पहुंच हो जाएगी। और पहली हस्ती हैं जिनका कदम अल्लाह के अर्श पर पड़ा। अल्लाह ताला ने ऐसा खूबसूरत सलाम पेश किया, तो अल्लाह के नबी पे कुर्बान जाऊं, उन्होंने अपनी उम्मत को भी शरीक कर लिया। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह हमारे ऊपर भी सलाम हो आपका, और जो मेरी उम्मत के नेक लोग हैं उन पर भी आपका सलाम हो, आपकी रहमत हो। ये आपका सीना चाक किया, दूसरे फरिश्ता वो पानी लाया जमजम का, उससे आपके सीने को साफ़ किया, फिर दिल बाहर निकाला, उसको चीरा, उससे साफ़ किया और फिर दोबारा दिल को रख दिया, सीने को बंद कर दिया। अब यह सारा कुछ अपने होश में देख रहे थे। ऑर्डर पर जबरील ने कहा, या रसूलल्लाह बस आगे मेरे पास वीज़ा कोई नहीं है, एक बालिश्त भी ऊपर जाए, एक गिट भी ऊपर जाऊंगा तो जल के राख हो जाऊंगा। कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि लोह कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद। रजब के महीना में अल्लाह ताला के नबी को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया, जिसको हम मेराज कहते हैं, शब मेराज, लैलतुल मेराज। और उसके लिए एहतमाम भी किया जाता है, इबादत का, खैरात का। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत में से एक छोटा सा नमूना था कि तीन कपड़ों में उठाया और सारे खला के पर्दों को चाक करवा के सातों आसमान के दरवाज़े खुलवा कर सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील की भी बस हो गई कि इसके आगे इतना भी ऊपर गया तो जल के राख हो जाऊंगा। तो उससे ऊपर आप तशरीफ़ ले गए और फिर अर्श खुशी से झूम उठा, एहतज़ा अर्शुर रहमान, अर्श खुशी से यूँ झूम रहा था। खुशी में इंसान बेखुद होकर झूमने लग जाता, तो अल्लाह का अर्श झूमने लगा आपकी आमद पर। और पहली हस्ती हैं जिनका कदम अल्लाह के अर्श पर पड़ा, और अल्लाह ताला और अल्लाह के महबूब के दरमियान जितने नूर के पर्दे थे अल्लाह ने सब हटा दिए। और अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अल्लाह ताला ने ऐसा खूबसूरत सलाम पेश किया, तो अल्लाह के नबी पे कुर्बान जाऊं, उन्होंने अपनी उम्मत को भी शरीक कर लिया। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह हमारे ऊपर भी सलाम हो आपका, और जो मेरी उम्मत के नेक लोग हैं उन पर भी आपका सलाम हो, आपकी रहमत हो। तो मेराज का वाकया असबाब के ख़िलाफ़ एक इंतहाई अजब अल्लाह की कुदरत है। और इसमें एक छोटी सी बात अर्ज करूं कि जब आदमी पिस जाता है ना और कहता है मता नसरुल्लाह, या अल्लाह तेरी मदद कहाँ है, तो फिर अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, अला इन्ना नसरल्लाह करीब, बेशक मेरी मदद करीब है, आ रही है। ये वाक़या ताइफ के बाद पेश आया है, जब आप बेबस हो गए थे, पत्थर खा के शदीद ज़ख्मी हुए, फिर आप मक्का तशरीफ़ लाए तो बाहर ठहर गए, अंदर आने की आपकी सकत नहीं थी, और आपने ज़ैद इब्न हारसा को अखरस बिन शुरैक के पास भेजा कि मुझे पनाह दो, मैं मक्के में दाखिल होना चाहता हूँ। तो उसने इनकार कर दिया, कहा मैं नहीं पनाह देता।
फिर अपने सहेल इब्ने अमर को पैगाम भेजा कि मुझे पनाह दो, उसने भी इनकार कर दिया। फिर एक और अरब के सरदार थे, उनको पैगाम भेजा, गालबन सफ़ान बिन उमैया को पैगाम भेजा कि मुझे पनाह दो, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो फिर आपने मुतअम बिन आदी को पैगाम भेजा, इनके बेटे जुबैर सहाबी बने, तो मुतअम बिन आदी को पैगाम भेजा तो वो अपने बच्चों को लेकर बाहर गया और अल्लाह के नबी को अपने बेटों के साथ लेकर मक्के में एंटर हुआ। हरम शरीफ में आके ऐलान किया, आज के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी पनाह में है, इन्हें कोई टच नहीं कर सकता। अबू जहल ने खड़े होकर कहा, तुम ये इसका कलमा पढ़ के कह रहे हो या अपनी सरदारी के ज़ोम पर कह रहे हो, अपनी सरदारी के बलबूते पर? कहा नहीं, मैंने इसका कलमा नहीं पढ़ा, जो अल्लाह ने मुझे स्टेटस दिया है उसकी वजह से कह रहा हूँ। कब? फिर ठीक है, हम इनको कभी टच नहीं करेंगे। इस कदर हाल संगीन हो गया था। और कभी आसमान के फरिश्ते नहीं रोए सिवाय दो जगह। एक दफ़ा जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल को उल्टा लेटाया और छुरी हाथ में और सर के बाल हाथ में इस तरह, और यूँ आसमान को देख कर कहा, या अल्लाह तुम इससे नाराज़ हो गया कि मेरे दिल में इस्माइल की मोहब्बत आ गई है। इस पर आसमान के फरिश्ते ज़ारो कतार रोए थे। और एक जब हमारे नबी को पत्थर पड़े और पड़ते पड़ते बेहोश होकर गिर गए, उस वक्त सातों आसमान के फरिश्ते रोए थे। और फिर मलकुल जिबाल हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह इजाज़त हो तो इनको ऐसे पीस के सुरमा बना के रख दूँ। अन उत्बिक अलैहिम अल-अक्षबैन, आपने कहा इला अल्लाह न युखरज मिन असलाबिही मन युवहिद अल्लाह, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला इनकी नस्ल में ऐसे पैदा करेगा जो अल्लाह की तौहीद को मानने वाले होंगे। इस तकलीफ के बाद ये सफ़र हुआ कि 27 रजब को जिब्राइल आए, आसमान सज चुके हैं और हमारी यानी ज़ुबान में या हमारे रवाज में कि या रसूल अल्लाह इस्तकबाल के लिए कतारें लग गई हैं, तो आप उनको लेकर गए। आप उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में थी, घर में थे आप, तो वहाँ से हातिम में ले गए, आपका सीना चाक किया। दूसरे फरिश्ता वो पानी लाया जमजम का, उससे आपके सीने को साफ़ किया, फिर दिल बाहर निकाला, उसको चीरा, उससे साफ़ किया, और फिर दोबारा दिल को रख दिया, सीने को बंद कर दिया। अब यह सारा कुछ अपने होश में देख रहे थे। फिर वहाँ से बुर्राक पे सवार हुए। बुर्राक गधे से बड़ा कद, खच्चर से छोटा कद वाला एक जानवर था, जिस पर आपको सवार कराया गया। और वो थोड़ा मस्ती करने लगा तो जिब्रील बोले, तो ये पता है तेरे ऊपर कौन सवार हैं? तो उसके साथ ही वो एकदम सर नीचे कर गया। और फिर वहाँ से परवाज़ की बैतुल मक़दिस, और वहाँ आपने दो नफल पढ़े और उनको वहीं छोड़ दिया, उसको बुर्राक को वहीं छोड़ दिया। वहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ अल्लाह की तरफ। उस सफ़र को अल्लाह ने यूँ बयान किया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। तो इसमें अहले इल्म के लिए बड़ा खूबसूरत नुक्ता भी मेरे जहन में आया कि ये कुरान की पहली सूरत है जो सुबहान मस्दर से शुरू हो रही है, सुबहान अल्लज़ी। फिर इसको आगे ले जाकर अल्लाह ताला ने मस्दर के बाद फ़ेल माजी होता है तो सब्बह लिल्लाह मा फिस समावात वल अर्द के साथ शुरू किया। तो मस्दर आया, माजी आया, माजी के बाद मुजारे होता है, फ्यूचर होता है, मुस्तकबल होता है। तो युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावात व मा फिल अर्द अल मलिक अल कुद्दूस अल अज़ीज़ अल हकीम। फिर इसके बाद अम्र का सिगा होता है, तो सब्बिह इस्म रब्बिकल अला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। ये कुरान का एजाज़ है, कुरान की खूबसूरती है, कुरान की बलागत है। सुबहान, सब्बह, युसब्बिहु, सब्बिह।
तो अल्लाह ताला ने पहले अपनी पाकीज़गी को बयान किया कि जो कुछ कहने वाला हूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं कि मैं अपने बंदे को ले कर गया। अल्लाह आने जाने से पाक है, लेकिन बा का इजाफा ये बताता है कि अल्लाह ताला कह रहे थे यूं ही समझो कि मैं अपने बंदे को खुद ले कर गया ऊपर। आप जबरील के कंधों पर परों पर सवार होकर नहीं गए, आपका सफ़र अलग था, जबरील का अलग था, यहाँ तक कि पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुला तो आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, गले लगाया। फिर उससे ऊपर गए तो ईसा अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया और सारे आसमान के फरिश्तों ने इस्तकबाल किया। फिर उसके बाद तीसरे आसमान पर गए तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया और सारे फरिश्तों ने। फिर चौथे आसमान पर गए तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने और बाकी सारे फरिश्तों ने। तो फिर पांचवें आसमान पर गए तो हारून अलैहिस्सलाम और आसमान के फरिश्ते। फिर छठे आसमान पर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के आसमान के फरिश्ते। उस दिन अल्लाह ने, मेरा कि मैंने पढ़ा कहीं नहीं लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों की इबादत की छुट्टी करा दी होगी और फरमाया होगा बस मेरे महबूब का दीदार करो, इस्तकबाल करो, आज यही तुम्हारी इबादत है। क्योंकि हर फरिश्ता बेकरार था कि दीदार हो जाए। फिर अब सातवें आसमान पर गए, वहाँ एक बैतुल्ला था, वहाँ एक बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले यूँ करके बैठे हुए थे, यूँ करके, और लंबे उनके बाल थे, लंबी दाढ़ी थी, वो नहीं उठे, वो बैठे रहे। जब अब करीब आए तो वो खड़े हुए और कहा मेरा बेटा आ गया। पहले नबियों ने कहा हमारे भाई आ गए, हमारे भाई आ गए, हमारे नबी आ गए। इस बुज़ुर्ग ने कहा मेरे बेटे आ गए, मेरे बेटे आ गए। तो आपने जबरील से पूछा ये कौन बुज़ुर्ग हैं, तो उन्होंने फरमाया आपके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इसमें अल्लाह ने हमें सबक दिया कि बेटा कितने ही आली मकाम पर चला जाए उसके ज़िम्मे है अपने माँ बाप का अदब करे, उनके पाँव छुए, उनके सामने सर झुका के चले, ये हवाओं में उड़ जाए, अर्श को चीर के अल्लाह तक पहुंच जाए, फिर भी बाप के आगे माँ के आगे सर झुकाना है। और ये सबक अमलन अल्लाह ने उम्मत को सिखाया, पहुंचाया कि अल्लाह तो जानते थे कि ये उम्मत अपने वालदैन की कितनी नाफरमान होगी और कितने माँ बाप होंगे जो छुप छुप के रोएंगे, कितनी माएँ होंगी जो दुपट्टे के पल्लू में अपने आंसू छुपा लेंगी अपनी औलाद की नाफरमानी की वजह से, बदतमीज़ी की वजह से। मेरे नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी, तो आपने फरमाया अल्लाह को पता है, क्या कोई निशानी फरमा दें, इरशाद फरमा दें, कहा जब माएँ बेटियों के हाथों जलील होंगी तो क़यामत आएगी। यानी बेटे तो करते ही रहते हैं, अगर बेटियाँ भी माँ को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। तो ये इतना बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, आपने फरमाया जिसने अपने वालदैन को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, ज़मीन आसमान की लानत, फरिश्तों की लानत, ना उसकी नमाज कबूल है, ना रोज़ा, ना सदक़ा। और दूसरी तरफ आपने फरमाया जो सुबह सुबह माँ बाप की ज़ियारत कर ले तो सुबह से शाम तक जन्नत के दो दरवाज़े उसके लिए खुल जाते हैं, ना हाल पूछा ना खिदमत की, सिर्फ आके ज़ियारत की मोहब्बत की वजह से। शाम को आके उनकी ज़ियारत की तो सुबह तक जन्नत के दो दरवाज़े उसके लिए खुले रहेंगे। फिर उनमें कोई एक फौत हो जाता है और ये उस एक के भी ऐसे ज़्यादा करता है, ज़्यारत करता है, एक दरवाज़ा खुला रहेगा। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा सबक था माँ बाप, चूँकि पहला कसूर तो माँ बाप का है कि वो बताते ही नहीं, वो तालीम ही नहीं दिलाते जिससे पता चले कि माँ बाप का मकाम क्या है, इसी में हमारी नस्ल डिप्रेशन का शिकार हो गई। तो उन्हें क्या पता बाप कौन होता है, माँ कौन होती। तो आप वहाँ से तशरीफ़ ले गए तो सिदरतुल मुंतहा, जहाँ बॉर्डर आ जाता है इन मखलूकात का, बॉर्डर पर जबरील ने कहा या रसूलल्लाह बस आगे मेरे पास वीज़ा कोई नहीं है, एक बालिश्त भी ऊपर जाए, एक गिट्ठ भी ऊपर जाऊँगा तो जल के राख हो जाऊँगा। अल्लाह ने एक तख्त उतारा, उससे अपने महबूब को बिठाया और वो गए बुलंदियों को चीरते हुए, उसने अर्श पर जाकर लैंड किया, आप उतरे और मेरे अल्लाह ताला ने कहा थुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को
अपने करीब कर लिए, इतना करीब किया कि फासले मिट गए, फासले मिट गए। तो भाइयों फिर लंबा वाक्या है, और लोग आजकल इतना लंबा सुनते भी नहीं है, तो मैं सिर्फ जाने का बता देता हूँ। वापसी का भी पूरा एक कहानी है, जन्नत दिखाई, जहन्नम दिखाई, जन्नत ही दिखाए, जहन्नम ही दिखाए, सारा कुछ दिखाया, सूदखोर दिखाए, बेनमाजी दिखाए, नमाजी दिखाए, अपने सबको अपनी आँखों से देखा, जहन्नम को भड़कते देखा, जन्नत को चमकते देखा, जहन्नम को दहकते देखा और जन्नत को महकते देखा, ये सब कुछ आपने अपनी आँखों से देखा। और फिर आप वापस तशरीफ लाए, तो जब आप पहुँचे तो अभी रात का हिस्सा बाकी था, और रात गुजरी नहीं थी जब आप इतनी बड़ी कायनात का सफ़र करके वापस तशरीफ लाए। तो इसमें एक बड़ा सबक है, वो ये है कि अल्लाह ने अपने नबी का हाथ पकड़ा और अपनी ज़ात तक पहुंचा दिया। हम अपना हाथ अल्लाह के नबी के हाथ में दे दें तो हम भी अल्लाह की ज़ात के तक हमारी भी पहुंच हो जाएगी। अगर कोई बड़ाई के सफ़र तय करना चाहता, बड़ा आदमी बनना चाहता है कि मैं तो जी ग्रेट मैन बनना चाहता हूँ, मैं कामयाबी चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल लाइफ चाहता हूँ, तो कामयाबी है कि मेरा आपका अल्लाह हम पे राज़ी हो, जब हम मरें तो वह हमसे खुश होकर मिले, हमें जन्नत का परवाना दे। ये है कामयाबी। ये नहीं कि आप बड़े मालदार बन गए, आप अमेरिका के सदर बन गए, ये नहीं है। कामयाबी ये है कि आपसे मुझसे अल्लाह राज़ी हो जाए, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो अल्लाह ताला के नबी के हाथों में हाथ दे दे तो अल्लाह तक पहुँचा ही आसान हो जाएगी। एक वाक़ा सुना के ख़त्म करता हूँ। एक बद्दू आया, कहने लगा है मोहम्मद, आपने कहा जी, अब बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से नहीं प्यार से देते, जी तेरी तीन बातें बड़ी अजीब हैं। आपने कहा क्या? तू कहता हम बाप दादे का दीन छोड़ के तेरे दीन पे आ जाएंगे, हम क्यों छोड़ें बाप दादे का दीन? कहा अच्छा, और तू कहता है कि हम मर के मिट्टी हो जाएंगे और फिर दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। कहा अच्छा, और तू कहता है सारे अरब को तेरी उम्मत फतह कर लेगी, ईरान और यूरोप को भी तेरी उम्मत फतह कर लेगी। तो ये कैसी बच्चों वाली बातें, कहा इनको रोटी नहीं मिलती और ये सुना रहा है इनको कि इससे कैसर और किसरा दो बड़े ब्लॉक थे उस वक्त। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया इंशाल्लाह तेरी उम्र लंबी होगी, तू देखेगा कि सारा अरब व अजम मेरा कलमा पढ़ेगा, फिर तू देखेगा कि सारा अरब व अजम यहाँ मदीना ढुक के आएगा, और फिर तू देखेगा कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुझे भी खड़ा करेगा, मुझे भी खड़ा करेगा, और मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे याद दिलाऊंगा कि हो गया ये ज़िंदा होना कि नहीं हुआ। तो वो कहने लगा नहीं मैं नहीं मानता, तो चला गया। उसने फिर अबू बकर सिद्दीक के दौर में देखा सारा अरब फतह हो गया, कहने लगा पहली बात तो पूरी होगी, सारी कौम ने कलमा पढ़ लिया। हज़रत उमर का ज़माना आया तो कैसर और किसरा पिट गए, तो कहने लगा दूई गल भी पूरी होगी, हूँ भावें त्री हो ही ना जावे किदाई, चलिए भाई कलमा पढ़िए। तो वो वहाँ से अपने इलाके से आया, हज़रत उमर के दरबार में आकर उसने कलमा पढ़ा। जब वो आपकी महफिल में आता आप उसके लिए खड़े हो जाते, बड़ा इकराम करते। तो एक दफ़ा फरमाया कि तुम देखते हो मैं इस बद्दू का बड़ा इकराम करता हूँ, मैं उस महफिल में था जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा था कि रहेगी तीसरी बात तो तेरा हाथ पकड़ के बताऊँगा कि हुई कि नहीं हुई, हम मर के ज़िंदा हुए हैं कि नहीं हुए, और क़यामत का दिन जिसका हाथ मेरे नबी के हाथ में आ गया वो जन्नत में पहुँचाने से पहले कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये वो शख्स है जिसका हाथ मेरे नबी ने पकड़ा हुआ है, इसको जन्नत तक पहुँचा के छोड़ेंगे। तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाई बहनों, बच्चों बच्चियों, हम मुख्तलिफ़ किस्म की नाफरमानियों का शिकार हैं और उसमें हम लज़्ज़त ढूंढते फिर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। हमारी नई नस्ल नशों पे लगी हुई है,
अल्लाह के वास्ते सबसे हाथ छुड़ा कर अल्लाह के नबी को अपना हाथ पकड़ा दो, आपको यूं पकड़ेंगे और अल्लाह पाक से जाकर मिला देंगे और फरिश्ते भी आप पर रश्क करेंगे। ये वाकया मेराज की असल थीम है और वाकया मेराज का असल पैगाम है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि लौह व क़लम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।